हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो कल हमने बिना सिम के अपना रूम ढूंढ लिया था दोस्तों। हमने 5 किलोमीटर था पैदल ही यात्रा की, वहाँ से जो देरा सिटी सेंटर है वहाँ से हमने पैदल यात्रा की अपने रूम तक। 5 नहीं 4 होगा तो मैं पैदल ही आ गया था, क्योंकि जो मेरा चेक इन था वो 2 बजे था, लेकिन मैं यहाँ फिर भी 10 बजे पहुँच गया था। फिर मेरा चेक इन अंदर करवा दिया तो मैं 10 बजे अपने रूम पर पहुँच गया था। फिर वही मैं आते ही सो गया, क्योंकि मैं पूरा दिन पूरी रात सोया नहीं था, तो यहाँ आते ही मैं सो गया और 4-5 बजे ही उठा। फिर 1-2 घंटा अपना वीडियो एडिटिंग करने के बाद फिर सो गया। तो अभी सुबह उठा हूँ, सुबह यहाँ पर टाइम बता देता हूँ आपको, यहाँ पर टाइम हो चुका है 9:10, अपने से इंडिया से ये 1.5 घंटा पीछे है। तो यहाँ पर 9:10 हो चुके हैं और हम यहाँ से अब निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, अपना तैयार त्यार हो चुके हैं। और यहाँ से अब देखेंगे क्या क्या यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो हमने आज का प्लान कर रखा है दोस्तों। हमने 3 या 4 चीज़ कवर करनी है तो आज उनको ही कवर करेंगे। तो एक बार मैंने सोचा भाई आपको अपना रूम भी दिखा देता हूँ। मैंने आपको बाय बस भी बताया भाई, आप अबू धाबी से बाय बस दुबई कैसे आ सकते हो और मेट्रो का कैसे यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं ये 5 से 6 मिनट की वीडियो रखने वाला हूँ इस वीडियो को, सिर्फ इसमें अपने होटल का व्यू दिखाने वाला हूँ भाई। ये होटल है द जॉर्ज होटल है, जो कि दरिया सिटी सेंटर के अंदर आता है, और इसके सामने वो लेक लेक भी है, और जो लेक इस साइड गोल्ड मार्केट है, और उस साइड आप लेक लेक के द्वारा बोट लेके बूढ़ दुबई भी जा सकते हो, जहाँ पर आप फोन वगैरह बड़ी मार्केट है उस साइड भी जा सकते हो। तो एक बार इस वीडियो में दिखाते हैं भाई आपको हम अपना रूम जो कैसा है, और साथ में एक बात बता दो, जो मेरे को ये रूम पड़ा 5,000 रुपये पर डे, देख लो दोस्तों 5,000 रुपये पर डे के महंगा पड़ने का कारण दोस्तों ये भी है। ये अभी जो महीना लग रहा है नवंबर और दिसंबर, 2 महीने ये इतने एक्सपेंसिव हैं यहाँ पर होटल, और ये होटलों के ऊपर जीएसटी जो टैक्स होटलों पर जो टैक्स है वो सबसे ज़्यादा लगता है दुबई के अंदर। और यहाँ पर आपको 30 दिरहम आपको यहाँ पर 30 दिरहम तो एक्स्ट्रा यहाँ पर पे करनी पड़ेगी होटल को टूरिज्म टैक्स, वो भी आपको यहाँ पर होटल हर एक होटल पर पे करना पड़ेगा। और महंगा क्यों है महंगा यहाँ पर दोस्तों, ये पीक होता है नवंबर दिसंबर में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, इसलिए यहाँ पर ये नवंबर दिसंबर सबसे महंगे होटल होंगे। अगर आप आना चाहते हो तो थोड़ा रुक के आए जनवरी फरवरी में भी, जनवरी फरवरी फरवरी के बाद ही आए अगर आप सस्ते होटल लेना चाहते हो तो। अगर 5,000 4,000 6,000 होटल का प्राइस है, 4,000 2,000 रुपये इस पर टैक्स बनता है, और 30 दिरहम अलग से ये लेते हैं, तो 600 650 रुपये अलग से ये टूरिस्ट फीस ये लेते हैं। तो कुछ ऐसा है भाई, तो पर डे मेरे को 3 दिन रुकना है तो 15,000 रुपये मैं पे कर रहा हूँ इस रूम के लिए। 3 स्टार होटल है दोस्तों ये, एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ चलो बैक कमरे से। तो यहाँ से शुरू करते हैं, और ये है हमारा रूम, ये मैंने पहले ओपन कर रखा। अभी कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर दोस्तों, फॉरनर्स अंग्रेज़ ज़्यादा, क्योंकि 3 स्टार होटल है, बहुत ही अच्छा होटल है। आपको यहाँ पर मोस्टली मेरे को तो अभी तक अंग्रेजी देखने को मिले हैं। तो कुछ इस प्रकार का रूम है भाई, यहाँ पर एक सन ग्लास, और यहाँ पर ये यहाँ से हम आए हैं, यहाँ पर अपने कपड़े वगैरह रख सकते हो। एक टेबल यहाँ पर ये दी गई है, इस पर आप अपना कुछ भी रख सकते हो। इसके बाद मैं खोलता हूँ अपना फ्रिज, तो फ्रिज के अंदर देख सकते हो भाई आपको यहाँ पर जो भी आइटम दिखाई दे रही हैं चार्जेबल हैं यहाँ पर। अगर आप कुछ भी लेते हो इसको आपको इसका अलग से पैसा देना पड़ेगा। बियर भी है और कोक भी है, चॉकलेट भी है, रेडबुल भी है, आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हो। तो अगर आपका मन हो तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनका चार्ट। अगर आप यहाँ से कुछ लेते हो तो इस चार्ट को खोल लेना एक बार, तो यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हो, ये लिख रखे दोस्तों। बियर का जो प्राइस है 39 दिरहम है, और ब्रांडी 39 दिरहम, मतलब 39 दिरहम सभी का है। आप यहाँ कोरन भी ले सकते हो, वोडका वाइन विस्की जो भी ले सकते हो 39 दिरहम के अंदर ले सकते हो। 39 दिरहम को कन्वर्ट कर सकते हो 23 से, तो आप एक आइडिया लगा सकते हो आपको ये कितनी महंगी पड़ने वाली है। अब आते हैं सॉफ्ट ड्रिंक के, ये जो 19 है एनर्जी ड्रिंक, ये शायद रेडबुल हो सकती है, यहाँ पर सोडा है 9 दिरहम, तो इनको कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप कोक भी कन्वर्ट करोगे तो 300 400 रुपये की आपको भी कोक भी पड़ने वाली है। इसके बाद स्नैक्स की बात करते हैं तो चिप्स हैं जो चॉकलेट बार है 9 दिरहम, मिक्स नट्स जो ये मिक्स नट्स ये पेन पीनट्स बोलते हैं दोस्तों इनको, ये यहाँ भी इनके भी रेट लिखे हुए हैं, सब चार्जेबल है। और बात कर लेते हैं इनकी जो फ्री है, ये दोस्तों कॉफ़ी और चाय है, जो कि दिन में 2 पी सकते हो आप, और अपने आप आपको बनानी पड़ती हैं,
तो यहाँ पर कप दिए गए, यहाँ पर ये हमारे लिए फ्री है ना कि, और इस 5,000 के अंदर इसके अंदर ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं है। ये है अभी तक तो चली नहीं, अगर बंदा बोल रहा था नीचे से प्लग लेके आता हूँ अभी तक नहीं आया। दो पानी बोतलें आपको फ्री दे जाएंगे दिन में, सिर्फ दो बोतल, उसके बाद आपको जो भी लेना हो अपने पैसे से लेना होगा। ये है भाई, यहाँ पर मैंने उन्हें थोड़ा गंदा कर दिया क्योंकि मैं चाय बना रहा था, चाय निकल गई थी। तो ये पावर बैंक है और यहाँ से इससे हम चाय बनाते हैं। यहाँ पर एक बैठ कर आराम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एनिमल कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर मेरा बैग और चेयर रखी है, तब मैं थोड़ा घुमा लेता हूँ। ये मेरे दो बेड हैं क्योंकि मैं हूँ अकेला, लेकिन जो रूम अवेलेबल था वो दो बेडों का था, तो उसने पूछा दो चल जाएगा, तो चल जाएगा, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता, कोई आना तो है ही नहीं। तो एक बार यहाँ से दिखाता हूँ फिर मैं आपको दुबई का सीन। ये मैं विंडो पे देख सकते हो, वहाँ पर ये देखो एक एयरक्राफ्ट भी जा रहा है, गया गया नहीं, ये देखो वो जा रहा। तो यहाँ से देख सकते हो ये है वो जो लेक की बात कर रहा था मैं। यहाँ से आप थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ से ये बोट अड्डा है, यहाँ से आप बुर दुबई के लिए बोट ले सकते हो। शायद जो होटल का मेरे को बोल रहा था भाई एक दिन लेगा आपको बुर दुबई छोड़ देगा या घुमा के वापस यहाँ छोड़ देगा, लेकिन उसका पता पता करके ही बताएंगे आपको भाई क्या प्राइस है इस साइड। अगर दोस्तों मैं इस साइड करता हूँ तो यहाँ उस साइड बताई उसने मेरे को, गोल्ड मार्केट जो कि उस साइड है, और यहाँ पर एक नियर मेट्रो स्टेशन है अलरास जो इस होटल के नियर सबसे नियर पड़ता है। तो कुछ इस प्रकार का अब कर देते हैं इसको बंद। यहाँ पर भाई एक ये है, इसको जरूरत नहीं पड़ी, उस साइड चल रहा है। तो ये टेलीफोन अगर कुछ मंगाना तो आप कॉल कर सकते हो। तो अब मैं आपको ले सकता हूँ अपनी बाथरूम के अंदर। तो बाथरूम में भाई ये आगे बाथरूम के अंदर कुछ इस प्रकार का, यहाँ पर ये लगा हुआ अभी बाल सुखाने का, और यहाँ पर दो गिलास और दिए हैं। और इसके बाद ये एक ये है यहाँ पर जो आप वो लगा सकते हो, क्रीम कह सकते हो इसको, ये कंडीशनर, और यहाँ पर टॉवल वगैरह है। तो यहाँ पर दोस्तों एक टब है और यहाँ पर फिर एक कोव है। तो दोस्तों टब आज तक मेरा सपना था, मैं एक टब एक बार टब वाला होटल ले हूँ, वो टब में लौट के नहाने का मज़ा ही अलग है, जैसे फिल्मों में देखते हैं वो। तो ऐसा ही कुछ था, लेकिन टब वाला होटल मेरे को मिल गया जो कि मेरे को पड़ा है इतना एक्सपेंसिव, 3-स्टार होटल है दोस्तों। 3 स्टार में तो ऐसे पड़ता ही है, इसमें तो 3 AC के वो फर्स्ट AC टिकट हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार का भाई। और एक ये यहाँ पर अब मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे अलवीरा ये देख सकते, इसका मेरे को पता नहीं क्या है, पानी वो गर्म करने का हो कुछ। तो अपने दराज वगैरह रखे हैं यहाँ पर, अपने कपड़े वगैरह रह से रख सकते हो, लेकिन मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रख देता हूँ, मैं भी क्यों पीछे हटूँ। और ये यहाँ पर मेरे को मिली थी एक शैम्पू, एक बॉडी वॉश। तो एक बार मेरे पास जो शर्ट है उसको यहाँ पर लगा देते हैं। तो देख सकते हो भाई जो मेरा होटल है कुछ इस प्रकार का होटल है ये। हम क्योंकि ये पीछे थोड़ा रहने वाले हैं तो हम इनको यहाँ पर लगा देते हैं अपनी शर्ट को। तो भाई ये था मेरे होटल का व्यू। तो अब होटल मैंने आपको दिखा दिया, अब दोबारा से एक बार चलते हैं अपना मार्केट की तरफ। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कहाँ जाएंगे, अभी तक मैंने भी नहीं प्लान किया। प्लान कर रखा दोस्तों, 3-4 वीडियो बनाने का प्लान कर रखा है, लेकिन आज अभी तक ये नहीं किया स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो अभी चलते हैं भाई, इस वीडियो में इतना ही। और अगर होटल अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।